हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव, स्वागत करता हूँ हमारे स्पेशल ई टॉक में, जिसमें हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। और मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंग्लिश की हम शुरुआत जहाँ से करते हैं, ए बी सी डी से लेकर। और मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, सेंटेंस आखिर होता क्या है, वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं कि हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता है कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स किस चीज़ के बने होते हैं, ए बी सी डी के, आखिर उनको बोलते क्या हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लेटर्स। क्या लेटर्स? ये वो लेटर्स नहीं है जो तुम किसी को खत भेजते हो, ये खत भेजने वाला नहीं है, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं हम, लेटर्स की बात कर रहे हैं। तो लेटर्स होते क्या हैं इंग्लिश में, हमने बचपन में पढ़ी थी क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो हम उसको क्या, उनको अगर हम इंडिविजुअली एक एक की बात करें तो उनको बोलते हैं हम लेटर्स, ठीक है। तो लेटर्स हम किस, लेटर्स का मतलब क्या है कि लेटर्स क्या होते हैं कि हम कह सकते हैं इज अ साउंड, जो हमारे मुंह से साउंड निकलती है, जो हमारे मुंह से साउंड निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटर्स के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ए है, बी सी डी ई, तो देखो हमारे मुंह से ना ये अलग अलग साउंड्स हैं, जो अलग अलग आवाज़ें हमारे मुंह से निकल रही हैं, तो उन आवाज़ों को हमने क्या दे दिया, एक चिन्ह दे दिया, क्या दे दिया, एक चिन्ह दे दिया, तो ये सिंबल दे दिया हमने, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी और इसका ई बोला, तो ऐसे करके इनको क्या दे दिया, एक सिंबल दे दिया। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोला जाता है इनको, लेटर्स। अगर हम लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स हमें पता है, अगर हम सारे लेटर्स की बात करें, हमें पता है कि सारे लेटर्स की बात करें ए टू जेड, अगर हम ए टू जेड की बात करते हैं तो ये क्या बनते हैं, अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं ये, अल्फ़ाबेट्स। तो हम कह सकते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स, है ना। अगर हम ऑल जितने भी लेटर्स हैं उनका सबको कलेक्ट कर दें तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 26 टोटल लेटर्स हैं, ठीक है। और 26 में हमारे पास, अगर मैं बात करूं 26 में हमारे पास जो हिंदी में जो मात्राएं होती है ना, हिंदी में मात्रा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्राएं, तो वो जो मात्राएं हैं वो इंग्लिश में किस चीज़ से मात्राएं बनती हैं, वो बनती है वोवल्स से। तो हमारी क्या होती है, वोवल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं लेटर्स, जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें कुछ वोवल्स होते हैं, बाकी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, बाकी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वोवल्स और दूसरे कॉन्सोनेंट्स, तो वोवल्स कितने होते हैं, तो हमारे पास जो मात्राएं लगती हैं, ई की मात्रा, ए की मात्रा, वो ये लगती है हिंदी में, लेकिन जब हम उन मात्राओं को जब हम इंग्लिश के वर्ड्स लिखने की कोशिश करते हैं तो हम उन वोवल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वोवल कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ कि वोवल्स कौन कौन से हैं। तो वोवल्स हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये हमारे पास पांच क्या है, ये हमारे पास पांच पांडव हैं जो कि हमारा वोवल्स का काम करते हैं। जितनी भी मात्राएं हैं हिंदी की, तो जब भी हम उसको इंग्लिश में उसको लिखेंगे तो हम वोवल्स का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे कॉन्सोनेंट आ गए, इनके अलावा जो बचते हैं 21 अदर लेटर, है ना, 21 बचेंगे अलग से, 21 बचेंगे। तो 21 में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बी सी डी एफ जी, तो ये सारे क्या है, लेटर्स हैं, 21 लेटर, इनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू, तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं जिनको क्या बोला जाता है, ये कलेक्शन ऑफ लेटर्स बोला जाता है, इनको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट्स। तो ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, है ना, ये क्या है हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें टोटल कितने, 26 लेटर, उनमें से पाँच वोवल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ लेटर क्या कहलाएगा, अल्फ़ाबेट कहलाएगा। तो ये होता है लेटर। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ऊपर कि इसके बाद लेटर से क्या मिलके बनता है, जिसे हम बोलते हैं वर्ड्स, तो उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो हम अब बात करते हैं किसके बारे में, वर्ड्स के बारे में। आपको वर्ड्स तो पता ही होगा, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ड्स ये क्या होता है, ईट, बॉय, है ना, लेटर, ये सारे क्या है, वर्ड्स हैं। लेकिन वर्ड्स का एक हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन तो कहीं भी पता लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर वर्ड्स होता क्या है। तो सबसे पहले अगर वर्ड्स की बात करें तो हम इसी की बात करते हैं वर्ड्स की। तो वर्ड्स मान लो हमारे पास एक वर्ड है ये बी ओ वाई, बॉय,
है ना। अब इसका हमें मतलब पता है भाई, इसका मतलब होता है लड़का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे वाई ओ बी या बी बी वाई बी वो, तो देखो यहाँ पे बॉय का मतलब होता है लड़का, मतलब ये ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, ग्रुप ऑफ लेटर ये भी है, ये भी तीन लेटर से बना है, ये भी तीन लेटर से बना है और ये भी तीन लेटर से बना है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इन तीनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि जिसका ये क्या ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका कुछ अपना मतलब होगा तो वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारा वर्ड कहलाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे तो वर्ड है लेकिन ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं होता, और यहाँ पे भी ये वर्ड है इसका मतलब नहीं होता, तो ये दोनों वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो आपको वर्ड पहचानने में सबसे पहले यही है कि भाई ग्रुप ऑफ लेटर तो है, देखो हमारे पास अगर बात करूँ मैं ये भी तो है वाई एच 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 एल, अब इसका मतलब कुछ बता दो। देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर हैं, यहाँ पे लेटर्स हैं बहुत सारे, पांच लेटर्स हैं, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है तो ये वर्ड्स नहीं होता, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वर्ड्स कैसे बनता है, हम कह सकते हैं इसे कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे इसे कलेक्शन ऑफ लेटर्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स स्पेसिफिक मीनिंग, है ना। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूँ तो ये तो हो गई डेफिनेशन, वर्ड की डेफिनेशन तो ये हो गई। अगर मैं इसको हिंदी में बात करूँ कि भाई एक लेटर्स का वो समूह जिसका कुछ अपना एक मतलब होता है वो क्या होता है, वर्ड्स कहलाता है, वो क्या होता है, वर्ड कहलाता है। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं, अब हम सेंटेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि सेंटेंस होता क्या है। हम जानते हैं भी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, ठीक है। तो सेंटेंस आखिर होता क्या है, सेंटेंस आखिर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। तो सेंटेंस अभी हमने वर्ड डिस्कस करा, सेम सेंटेंस क्या होता है, वो क्या बनता है, वो वर्ड से मिलकर बनता है। तो अगर बात करें इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, देखो आप अगर समझ पा रहे हो तो मैं हिंदी में लिखता हूँ ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आए। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, मैं दूसरा लिखता हूँ, खाना मैं हूँ खाता। अब देखो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस हैं, यहाँ पे दोनों ही क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कुछ उसमें वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखो इसमें इस वाले में अंतर क्या है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है भाई ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक ग्रामेटिकल करेक्ट है ना, इसमें ग्रामेटिकल करेक्शन है, और ये क्या है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो मतलब मीनिंग भी होना चाहिए और ग्रामेटिकल करेक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे खाना मैं हूँ खाता मतलब कोई सेंस ही नहीं है भाई, बोलने का तरीका ही नहीं है, मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा इसमें है। तो जिसमें हम बात कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स विक्स मेक्स मीनिंग एंड ग्रामेटिकल करेक्ट, है ना, करेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आपको पता है ग्रामेटिकल, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स मीनिंग एंड ग्रामेटिकल करेक्ट, मतलब वो उसका मतलब भी होगा और ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि सेंटेंस आखिर होते क्या हैं। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, आप समझ गए होंगे कि देखो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि भाई ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका मतलब है और एक ग्रामेटिकल करेक्ट है, तो ये सेंटेंस है लेकिन इसका मतलब भी नहीं है, और दूसरी बात ये ग्रामेटिकल करेक्ट भी नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं है,
ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, मैंने आपको अभी सेंटेंस का मीनिंग बताया था कि भाई सेंटेंस होता क्या है, तो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेंटेंस क्या होता है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग, उसका एक मतलब होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो सेंटेंस के पार्ट्स याद रखना, टाइप्स और पार्ट्स में कंफ्यूज मत हो जाना। पार्ट्स का मतलब है क्योंकि सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो पार्ट्स सेंटेंस के दो होते हैं। पहला पार्ट्स होता है सब्जेक्ट, दूसरा शायद तुमने ये बहुत बचपन में पढ़े होंगे प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब कोई भी सेंटेंस होगा उसका अपना सब्जेक्ट होगा और उसका प्रेडिकेट होगा। अब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट क्या होता है, देखो सब्जेक्ट जो होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ फिर आपको एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा आखिर होता क्या है। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस दो तरह के होते हैं, या तो उसमें काम होता है या उसमें काम नहीं होता। तो सबसे पहले जिसमें काम होगा, तो जो व्यक्ति मतलब जो शब्द है ना, कोई भी शब्द होगा, जो शब्द काम करेगा। देखो ये कोई लिखी हुई, ये तुम्हें डेफिनेशन ये तुम्हें कहीं लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हो तब तुम कुछ बोलने की कोशिश करते हो तो सब्जेक्ट आपको ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो शब्द काम करेगा, जिस सेंटेंस आप बोलने वाले हो, जिस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने वाले हो, उस सेंटेंस में जो काम कर रहा होगा ना, एक तो वो सेंटेंस होगा, सेकेंड जिसके बारे में बात हो रही होगी, ध्यान से समझना, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, जो काम करेगा वो सेंटेंस होता है। अब देखो ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, हिंदी में लिखूंगा इसको इंग्लिश में भी लिखूंगा। तो देखो जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि माई नेम इज संजीव, ठीक है, माई नेम इज संजीव। अब ये सेंटेंस लिखा तो मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ, मेरा नाम संजीव है, ठीक है। देखो अब मेरे को एक बार बताओ, माई नेम इज संजीव, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि भाई मेरा नाम है ना, और इस नाम के लिए क्या बोला गया, संजीव। देखो मेरा नाम, तो ये क्या हो गया, माई नेम का क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेरे नाम की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, ये हो गया सब्जेक्ट। लेकिन इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, इस सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है भाई संजीव, है ना। तो ये जो बाकी बचा, सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बचता है वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बचेगा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसको जब ट्रांसलेशन हमें नहीं आ पाती, जब हम ये पहचान नहीं पाते कि वह सब्जेक्ट होता क्या है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वह सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, और दूसरी बात अगर वो भी नहीं आता, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, जिन सेंटेंस अभी मैं आगे बताता हूँ उसको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है हमारे पास, ये मेरे नाम के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या होगा सब्जेक्ट, और ये बाकी क्या बचा इसके बारे में, ये प्रेडिकेट। तो दो पार्ट हो गए, ठीक है। एक सेंटेंस, एक और सेंटेंस लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आई ईट द फूड, है ना, मैं खाना खाता हूँ। अब सही बताना, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खाता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ, इसमें काम कौन कर रहा है, कौन सा वर्ड है जो कोई काम कर रहा है, यहाँ पे खाना खाने का काम हो रहा है, ये तो मैं समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे कौन सा शब्द काम कर रहा है, ये वाला, तो कौन सा शब्द काम कर रहा है, मैं, ये बंदा ही तो कर रहा है ये खाना खाने का काम, ये बंदा क्या कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। तो आई क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी क्या बचा, प्रेडिकेट, है ना। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं, तो ये क्या, ईट द फूड, भाई ये खाना खा रहा, ये खाना खाता है। तो आई सब्जेक्ट, बाकी बचा प्रेडिकेट,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे पहचानने हैं। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब आप ट्रांसलेशन करोगे, आप क्वेश्चन जब आप लिखा हुआ इंग्लिश लिखा हुआ आप समझने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में, और शायद जब आप बोलने की कोशिश करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंगी। क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही नहीं पता होगा तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे, कहाँ से शुरुआत करोगे, क्योंकि शुरुआत ही ज़्यादातर सब्जेक्ट से होती है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आप इसका नोट, आपको समझ में आ गए हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आपको मेरा भी कोई भी वीडियो में कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि मैं आपको आपके बीच आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई सिखाने वाला हूँ, इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही पसंद है। तो मैं आपको वो चीज़ ज़रूर सिखाऊंगा जो मेरे को पसंद है, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर आपको मेरे साथ बने रहना है तो आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना होगा, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।